लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस से जबर चुनाव करने के इल्जाम लगे ने, पर हुण इस मामले दे विच इक नवा मोड़ आ चुके है। नवा मोड़ इस करके आ चुके है क्योंकि लोक इंसाफ पार्टी के आगू मनविंदर सिंह रियासपुरा के वलों सारी कहानी बयानी गई है कि किस तरह वो महिला जो है सिमरजीत सिंह बैंस को आई सी मदद दे लई, अते मदद सिमरजीत सिंह बैंस दे वलों उन्हां दी कीती भी गई, पर उल्टा उस महिला दे वलों बेबुनियाद इल्जाम जो सिमरजीत सिंह बैंस से लगाए गए ने, इस दे नाल ही उन्होंने उस डीलर का भी जिक्र किया जिस डीलर के उत्ते वो लुधियाणा की रहन वाली महिला सिमरजीत सिंह बैंस के नाल नाल डीलर से भी इल्जाम लगा रही है कि उस दे वलों पैसे खाधे गए ने। होर भी कई तरह के गंभीर इल्जाम जो उस महिला के वलों लगाए जा रहे सन, उसनों लैके ही जिथे सिमरजीत सिंह बैंस अपने ते लगे सारे इल्जामों नूं खारिज कर रहे हैं, तो दूजे पासे सारी कहानी बयानी है मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कि किस तरह वो महिला अपने मकान दे पैसे लैण नूं लैके जो है उसने लोन लिता होया सीगा उसनूं लैके सिमरजीत सिंह बैंस दे दफ्तर आई। दफ्तर आउण तों बाद उन्होंने मदद करन दी गल आखी अते सिमरजीत सिंह बैंस दे वल्लों भी उस औरत, क्योंकि वह विधवा सी इस करके उसकी मदद भी की गई, पर उल्टा उस महिला ने सिमरजीत सिंह बैंस नूं झूठे केस दे विच फसा रही है। होर की कुछ कहना है मनविंदर सिंह ग्यासपुरा दा, आओ तुहानूं सुणाउने आ। असी सारे लोक इंसाफ पार्टी की कोर कमेटी बैठी आडे सामने और अज जिहड़ा हैगा मुद्दा असी लैके आए हैं, तुहानू पता होना कि पिछले दो दिनों तो कि साड़ी पार्टी के प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह बैंस से जो एक औरत वालों इल्जाम लाए जा रहे ने, जो इल्जाम तराशियां करियां जा रही ने, उन्होंने संबंध में अज असी तुहाडे नाल रूबरू होण लगे हाँ। बेसिकली सरदार सिमरजीत सिंह बैंस दा पंजाब दे विच कैदां दे एम एल ए ने कि जिन्हां दा कि दफ्तर सवेरे 8 बजे तो लैके रात दे 11 बजे तक हमेशा खुला रहिंदा और उत्थे इह गल नहीं पुछी जांदी कि तू कित्थों आया, कादे लई आया, उहदा कम कीता जांदा ते बंदे उत्थों खुश होके जांदे ने। और उस दफ्तर दे विच कुछ औरत मुलाजम भी जिहड़े हैगे आ उह लोकां दा कम करदे ने, क्योंकि उत्थे आधार कार्ड होर कई तरह के राशन कार्ड बनाउण दा भी कम उसे दफ्तर दे विच हुंदा। और ये जो कथे दोष जिहड़े लाए ने, ये जो साडी भैण ने जिहड़े दोष लाए ने, ये भी सरदार सिमरजीत सिंह बैंस कोल अपनी फरियाद लैके आई सी। बेसिकली होया की सी कि इन्होंने एक अपने घर के मकान के उत्ते लोन लिया सी। जदों लोन लिया तो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली हसबेंड की डैथ हो गई, तो जदों हसबेंड की डैथ हो गई तो बैंक वाले जिहड़े हैगे आ वो परेशान कर रहे सी फोन करके, क्योंकि वो जिहड़ा घर सी वो पलैज सी बैंक नूं। बैंक वाले इस नौबत ते आ गए सी कि घर नूं जिंदा लाउण की नौबत ते आ गए सी कि घर नूं असीं बंद कर देना, शट कर देना। और इस पक्षों मानसिक तौर पर बड़ी परेशान सी, तो जो सिमरजीत सिंह बैंस को आए तो उन्होंने दसिया, बैंस साहब ने कहा कि साडे महल्ले दे विच मेरे के बिल्डर वाले एक रहिंदे ने, वो तुहाडे भी जाणू ने, भी मैं तुहानूं बेनती करदी हां कि बैंक वालिआं ने बड़े जो भी उन्हां दा साडीआं बैलेंस किस्तां रहिंदीआं ने टुट्टीआं ने साडे घर नूं लॉक ला के सानूं बाहर कर देना, मैं एक विधवा विडो लेडी हाँ, असीं कित्थे जावांगे। तुसीं आप जी कृपा करके के बिल्डर वालिआं नाल गल करके मेरा जिहड़ा इह मकान आ इह उन्हां दे कोले बिकवा दित्ता जावे, मैनूं 4 पैसे मिल जाणगे। सरदार सिमरजीत सिंह बैंस ने एक विधवा की पुकार नूं देखदे होए, विधवा का दर्द नूं समझदे होए के बिल्डर वालिआं नूं बुलाया अपने दफ्तर दे विच और उन्हां नाल इस मकान संबंधी गल कीती। और के बिल्डर वाले जिहड़े हैगे आ सरदार सुखचैन सिंह खहरा जी, जिहड़े उन्हां दे मालक ने, सुखचैन सिंह खहरा जी ने यह मकान जिहड़ा सी इहदियां बैंक दियां किस्तां जिहड़ियां उह सैटलमेंट कर लई और इस भैण नूं 360,000 रुपया 360,000 रुपया उन्होंने दे दिता। और ये नाल नाल गल खेड़े पै गए कि मैं रहूँगी कितने, तो बैंस साहब ने जोर पा के कहा
कि तू एक इनू 50-60 गज का प्लाट भी दे दे नाल। उन्हें एक 60 गज का प्लाट वो कहिंदा भी थोड़ा दूर एरिए दे विच जिहड़ा हैगा प्लाट मिलेगा क्योंकि इहदी कीमत उन्नी नहीं आ। मैं बैंक दियां भी किस्तां लाउणियां ने 360,000 रुपया इन्हां नूं भी दे रहा ते उन्हें एक 60 गज का प्लाट जिहड़ा इह भैण नूं दे दित्ता। उस तों बाद की होया कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन दे विच तुसीं देखो कि लोग प्रॉपर्टी तां विकणी की सी, लोगों नूं रोटी का लालच लाले पै सी कि असीं रोटी खाणी किवें आ। ते फिर लॉकडाउन तो दे विच ते जिहड़ी इह भैण सी इह बिल्डर नूं कहण लगी कि मैनूं वो प्लाट मैं नहीं लैणा, मैनूं इह प्लाट दे पैसे दो। जदों प्लाट लिया सी तां बिल्डर ने कहा सी इह जिहड़ा तेरा प्लाट आ इह 3,000 रुपए गज दे हिसाब नाल वी जाणी उत्थे इन्नी कीमत आ। वह कहिंदी मैनूं 3,000 रुपए जिहड़े गज दे हिसाब नाल मेरे 60 गज दे पैसे दे दिओ, मैं इह प्लाट नहीं लैणा। वह कहिंदा भी हुण वह रेट नहीं है, वह मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे कोल कोई गाहक नहीं। जदों ये गल हुई तो इन्होंने तैश में आके उस बिल्डर के खिलाफ यही सेम दोष लाए कि मेरे नाल 2 साल तो रेप कर रहा सी। सुखचैन खहरा के खिलाफ सेम दोष लाए जो अज सरदार सिमरजीत सिंह बैंस से लाए ने इस बीबी ने। कदों लाए जी ये दोष लाए जिहड़े हैगे आ उहदी मैं तुहानूं डिटेल दिंदे आ। दोष लाउण तों बाद ते जदों उह सुखचैन खहरा दोबारा फिर सिमरजीत सिंह बैंस को आए कि जी दी तुसी मैनूं मदद करने लई कहा सी, देखो मेरे ते उन्होंने ये कंप्लेंट की आ। ते बैंस साहब ने इस बीबी नूं भी इस बारे गल कीती, कहा कि इदां दा जिहड़ा हैगा जिहड़ा बंदा तुहाडी हैल्प करे नहीं करना चाहिए, उहनूं डांट के ताड़ना करके गया क्योंकि असीं इंसाफ की गल करते हैं, कोई ये नहीं है कि एक पक्ष की जां एक तरफ की गल हुंदी आ। ते फिर जदों ये गल हुई तो पुलिस दे कोले ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5-10-2020 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਲੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਐਲ ਨੇੜੇ ਪੰਧੋਰ ਸਕੂਲ ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਨੇੜੇ GNE ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। बयान किया जाता है कि मैं उक्त पते पर किराए के मकान पर रहिंदी हाँ। मैं जो दरखास्त UID नंबर 1891931 मिति 5-10-2020 बरखिलाफ सुखचैन सिंह KK बिल्डर वासी गली नंबर 6 ईशर नगर ब्लाक सी भारत लुधियाना बाबत मकान और 60 वर्ग गज के प्लाट के फुल एंड फाइनल के पैसों के लैण देण के झगड़े संबंधी सुखचैन सिंह वालों मैनू झूठे केस विच फसाउण दीआं धमकियां दे के अरसा 2 साल तो जिस्मानी संबंध बनाउण वास्ते दबाव पाउण दे अते होर दोष ला के दरखास्त दित्ती सी। इस दरखास्त संबंधी मेरा विरोधी धिर सुखचैन नाल आपसी सहमति नाल इह समझौता होया कि विरोधी धिर सुखचैन सिंह ने मैनू उक्त प्लाट दे बदले बकाया रहिंदी रकम 60,000 रुपए मैं वसूल पा लए हन। उक्त प्लाट का इकरारनामा सौदा बै फुल एंड फाइनल मैं लिखती रूप में सुखचैन सिंह के हक में कर दिता है। मेरा हुण अगे तो विरोधी धिर सुखचैन सिंह नाल किसी भी प्रकार का मकान का प्लाट का कोई लेना देना जां आपसी झगड़ा नहीं, ना ही मैं भविख में इस मकान प्लाट संबंधी कोई क्लेम करांगी। दरखास्त में मैं जो सुखचैन सिंह के खिलाफ जिसमानी संबंध बनाने लई दबाव पाउण दे जो दोष लाए सी इह दोष मैं गलत फहमी विच लाए सी, मेरे नाल अजिही कोई भी गल नहीं हुई सी। दरखास्त विच लाए गए दोषां संबंधी मेरी तसल्ली हो चुकी है ते अपने वलों दित्ती गई दरखास्त पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाउणा चाहुंदी। मेरी यह दरखास्त दाखल दफ्तर की जाए, आप पास बयान लिखा दिता है, पढ़ लिया ठीक है। ये असीं तुहानूं दे भी देंगे, सीधियां कापियां करा के लिया आ। देखो साडी हुण फुल जिहड़ा फोकस आ पंजाब नूं बचाउण दे लई
ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਲੇਡੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਜਿਹੜਾ OSD ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਕਸ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ UID ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ?